ओके स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्टडी कर लिया और क्लासिफिकेशन का भी मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया था। आज अपन टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। टेरिडोफाइट्स बच्चों, टेरिडोफाइट्स वर्ड जो था, ये वर्ड ये हिकल ने दिया। टेरिडोफाइट्स की स्टडी को टेरिडोलॉजी बोलते हैं। टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स वर्ड प्रोवाइडेड बाय हिकल एंड टेरिडोफाइट्स की स्टडी को बोलते हैं टेरिडोलॉजी। ये जो टेरिडो वर्ड है, ये टेरोन से बना है। टेरोन का मतलब होता है फेदर लाइन, यानी जो इनकी जो लीफ होती है इन प्लांट्स की, इन प्लांट्स की लीफ जो है वो फेदर लाइक होती है, फेदर लाइक लीफ होती है, इसलिए इनको टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये तो बेसिक मैंने आपको बताया। अब इन प्लांट्स के जनरल कैरेक्टर्स अपन स्टडी करते हैं। तो पहले देख लीजिए, टेरिडोफाइट्स वर्ड गिवन बाय हिकल, स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स नोन एज टेरिडोलॉजी, एंड टेरिडोफाइट वर्ड डिराइव फ्रॉम टेरोन, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरोन? फेदर लाइक, यानी इनकी जो लीफ होती है वो फेदर लाइक होती है। इज दैट क्लियर? अब आइए अपन इनके जनरल कैरेक्टर। टेरिडोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट इन्हें बोला जाएगा। ये ट्रू लैंड प्लांट है। क्यों है? क्योंकि एक तो इनकी बॉडी डिफरेंशिएट हो गई है रूट, स्टेम और लीफ। दूसरी बात कि इनमें वैस्कुलर सिस्टम बन गया है। अच्छी अच्छी बातें पहले देखता हूं। देखो, इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस कहते हैं, क्रिप्टोगेमस प्लांट। क्रिप्टोगेमस मतलब ये सीड नहीं बनाते, अभी सीड नहीं बनाए। वैस्कुलर फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट टाइम इनमें वैस्कुलर सिस्टम बना है, वैस्कुलर बंडल बन गए हैं। वैस्कुलर बंडल बोले तो जाइलम फ्लोएम इनमें पहली बार बन गए। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस का मतलब है इनमें वैस्कुलर बंडल बन चुके हैं, यानी जाइलम फ्लोएम बन चुके हैं। ये फर्स्ट टाइम, और इसीलिए ट्रू लैंड प्लांट है। और बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट है, राइट? बच्चों, इनका जो ये वैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, वो कंसेंट्रिक टाइप का होता है। कंसेंट्रिक का मतलब है कि, चलो और अच्छे से बताता हूं, हाइड्रोसेंट्रिक टाइप का, फिर आपको और अच्छा नजर आएगा। हाइड्रोसेंट्रिक इसका मतलब है कि जो जाइलम है वो सेंटर में होगा, इस तरह से। ये जाइलम है और जो फ्लोएम है वो इसके चारों तरफ होगा, इस तरह से। दिस इज फ्लोएम। इज दैट क्लियर? तो ये कंसेंट्रिक टाइप का वैस्कुलर बंडल है। मिजार टाइप का वैस्कुलर बंडल भी होता है। मिजार का मतलब होता है बच्चों, मिजार का मतलब कि, खैर एनाटॉमी में ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। एक होता है प्रोटोजाइलम और एक होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, चलो बताइए देखो। प्रोटोजाइलम और एक वर्ड होता है मेटाजाइलम। तो जो डेवलप होता है वो मेटाजाइलम होता है, जिसमें बड़ी वेसल्स होती हैं, और जो कम डेवलप होता है वो होता है प्रोटोजाइलम, और जो जिसमें स्मॉल वेसल्स होती हैं, राइट? तो अगर प्रोटोजाइलम आउटर साइड है तो उसको बोलते हैं एक्सार्च, और प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ है तो इसको बोलते हैं एंडार्क, ठीक है? और मिजार्क का मतलब है कि प्रोटोजाइलम बीच में है और इधर भी मेटाजाइलम है और इधर भी मेटाजाइलम है। यानी प्रोटोजाइलम बीच में है मिजाज, मिजो मतलब बीच में, और दोनों तरफ
आउटर और इनर साइड क्या है, मेटाजाइलम, ठीक है ना। तो इस केस को मिजार्क केस बोलते हैं, समझ आ गया ये चीज। इसके अलावा इनका जो वैस्कुलर सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है, जैसे इनका जो ये वैस्कुलर बंडल है वो क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप का मतलब कि इसमें कोई कैंबियम नहीं होता, यानी मेरिस्टेम नहीं होता है, यानी इनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। क्लोज टाइप का मतलब कि इनमें कोई मेरिस्टेम टिश्यू नहीं है और ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेंगे। यस, जैसे मैं अच्छे से समझाता हूँ कोई बात नहीं। जैसे इधर देखो, फ्लोएम जाइलम, इनके बीच में ये कैंबियम है। कैंबियम मतलब मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमैटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमैटिक टिश्यू क्या होता है, जो डिविजन करता है, ग्रोथ करता है। तो इनमें है तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा, तो इसमें होगी सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल माना जाता है। क्या माना जाता है? ओपन टाइप का, ठीक है। और अब ये ओपन वाला समझ आ गया, जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होता है, इसी तरह से देखो आप, इस तरह से ये चीज, इसमें आप देख रहे हैं कि कैंबियम नहीं है, नो कैंबियम, कैंबियम नहीं है, तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो फिर ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोज। तो समझ आया एकदम अच्छे से, यानी टेरिडोफाइट्स सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं, टेरिडोफाइट्स सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं, इज दैट क्लियर। लेकिन एक्सेप्शन जरूर याद रखना बेटा, एक्सेप्शन के तौर पर एक प्लांट है बच्चों, और उसका नाम है आइसोइटिस। आइसोइटिस, इसका जो स्टेम है वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। तो ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है ना बच्चों, वो एक्सेप्शन से बन जाते हैं। तो टेरिडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि इनका क्लोज टाइप का वैस्कुलर बंडल है, यानी कैंबियम नहीं है इनमें। लेकिन आइसोइटिस जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, राइट। और आगे देखते हैं इनके वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। इनका जो वैस्कुलर सिस्टम है उसमें जाइलम की अगर बात करें, तो आपने 9th क्लास में जाइलम के कंपोनेंट्स पढ़े थे। जाइलम में क्या क्या चीजें होती है? ट्रैकीट, वेसल, होती है कि नहीं होती बताइए। ये कंडक्शन पार्ट है, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, ये चीज भी होती है। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं उनका जो जाइलम होता है उसमें वेसल नहीं होती, ओनली ट्रैकीट होती है, ओनली ट्रैकीट होती है। सो ट्रैकीट इज अ प्रिमिटिव कैरेक्टर, क्योंकि वेसल अभी इनमें नहीं बनी है, करेक्ट। समझ आ गया? समझ गए, वेसल नहीं है जाइलम के अंदर, केवल ट्रैकीट है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिलेजिनेगा, मार्सिलिया और टेरिडियम, ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें ट्रैकीट मॉडिफाई हो जाती है और इनमें स्यूडो वेसल बन जाती है। वो ट्रैकीट के मॉडिफिकेशन से ही बनती है स्यूडो वेसल, सिलेजिनेला, मार्सिलिया और टेरिडियम के अंदर। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? तो ये जाइलम की मैंने आपको बात बता दी है। इसके अलावा फ्लोएम की अगर हम बात करें, तो फ्लोएम में क्या होता है बच्चों? फ्लोएम के कंपोनेंट आपने पढ़ा था, एक होती है सीव ट्यूब या सीव सेल, एक होती है कंपेनियन सेल, और इसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, राइट। अब यहां पर टेरिडोफाइटा में क्या केस होगा कि एक तो सीव ट्यूब नहीं होगी, सीव ट्यूब की जगह क्या प्रेजेंट है? सीव सेल प्रेजेंट है, राइट। दूसरी बात, कंपेनियन सेल नहीं होती है, ये नहीं होगी। तो ओनली फ्लोएम के अंदर क्या है? सीव सेल प्रेजेंट है। तो ये इनके फीचर्स आपको बताने होते हैं, करेक्ट। तो ये मैंने पूरा वैस्कुलर सिस्टम का फीचर बताया है आपको, ठीक है ना। एक और,
मोस्टली इनका सॉलिड सिस्टम होता है, सॉलिड वैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी सॉलिड का मतलब कि इनमें पिथ एब्सेंट है और है तो बहुत ही कम डेवलप। पहली बात आप समझिए कि पिथ एब्सेंट है, तो इस तरह सॉलिड वैस्कुलर सिस्टम इनमें मिलता है। ऐसा नहीं धीरे धीरे एडवांस होने के बाद थोड़ी बहुत पिथ भी बनने लग गई थी, जैसे साइफेनोस्केला वगैरह, राइट। तो ये मैंने आपको इनका क्या समझाया है, वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस प्लांट इनको कहा जाता है क्योंकि पहली बार इनमें जाइलम फ्लोएम बने हैं, राइट। अब देखिए, अब इनकी बॉडी की बात कर लेते हैं, थैलस की बात करते हैं। इनकी बॉडी की अगर बात की जाए तो इनके थैलस में रूट है, स्टेम है और लीफ है, ये तीनों प्रेजेंट है। रूट, स्टेम और लीफ तीनों प्रेजेंट हैं, इज दैट क्लियर। पहली बार बन रहे हैं ना, इससे पहले तो आपने नहीं देखा है रूट। अब इनमें क्या होता है बेटा कि प्राइमरी रूट बनती है, प्राइमरी रूट बन जाती है, लेकिन ये डीजनरेट हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। बनते ही फॉर आफ्टर फॉर्मेशन ये गायब हो जाएगी और इसकी जगह इन प्लेस ऑफ प्राइमरी रूट की जगह एडवेंशियस रूट बन जाती है। तो इनमें जैसे ये होती है ना बेटा, ये प्राइमरी रूट होती है, ठीक है, मेन रूट जो होती है वो प्राइमरी रूट होती है, राइट। तो इनमें प्राइमरी रूट बनी, बनते ही क्या होगी, डीजनरेट होगी, और डीजनरेट होने के बाद उसकी जगह फिर एडवेंशियस रूट बन जाएगी। तो ये एडवेंशियस रूट होगी, राइट, ये एडवेंशियस रूट, ठीक है। तो प्राइमरी रूट बनती है लेकिन बनने के बाद वो डीजनरेट हो जाती है और उसकी जगह एडवेंशियस रूट आ जाती है, इज दैट क्लियर। तो ये रूट का फीचर है, ठीक है। इसके बाद रूट वाला फीचर समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेम की। इनका जो स्टेम होता है वो इरेक्ट हो सकता है, लॉन्ग होगा, प्रोस्टेट हो सकता है, विसर्पी टाइप का, और अंडरग्राउंड भी हो सकता है। और अंडरग्राउंड स्टेम को कहा जाएगा राइजोम। क्या कहा जाएगा, राइजोम। तो स्टेम इरेक्ट हो सकता है, प्रोस्टेट हो सकता है और अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड है तो उसे क्या कहा जाता है, राइजोम। यानी राइजोम इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इज दैट क्लियर। तो तीन पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है, इज दैट क्लियर, कोई डाउट किसी तरह का। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाता है, लीफ के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं लीफ। अब देखो बच्चों कि इनकी जो लीफ है, ठीक है, वो लीफ इनकी दो तरह की है। एक होती है स्पोरोफिलस, ठीक है, स्पोरोफिलस, और एक होती है ट्रोपोफिलस। दो तरह की लीफ होती है, स्पोरोफिलस और ट्रोपोफिलस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक व्हाट इज स्पोरोफिलस। नाम देखिए क्या है, स्पोरो, और फिलस मतलब होता है लीफ, यानी ये वो लीफ है जो स्पोर बनाती है, यानी स्पोर फॉर्मेशन करती है, करेक्ट। कितना आसान है, स्पोरो मतलब स्पोर, फिलस मतलब लीफ, यानी ये वो लीफ है जो स्पोर बनाती है, ठीक है। और अच्छे से समझाते हैं, ये जो लीफ है इनकी जो एबैक्सियल सरफेस होती है, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है कौन सी सरफेस पे, एबैक्सियल। एबैक्सियल नहीं समझ आया तो समझिए कि निचली सरफेस इनकी जो होती है, लोअर सरफेस जो होती है, नीचे वाली सरफेस, अंग्रेजी लिखो अंग्रेजी लिखो, लोअर सरफेस। इनके जो लोअर सरफेस होती है उस सरफेस पर स्पोरिंजिया बनती है। स्पोरिंजिया समझ आया ना, इस तरह से सेल लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो स्पोरिंजिया होती है, इस स्पोरिंजिया में बनते हैं स्पोर। स्पोरिंजिया बनाती है स्पोर, करेक्ट, समझ आया एकदम अच्छे से। तो लीफ की एबैक्सियल सरफेस पे स्पोरिंजिया बनती है और वो स्पोरिंजिया बनाती है स्पोर, इज दैट क्लियर।
तो ये स्पोरोफिलस लीफ होगी। अभी और बताते हैं, ये जो स्पोरेंजिया है इनका ग्रुप होता है, ये ग्रुप में प्रेजेंट होती है, तो स्पोरेंजिया का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं अपन सोरस। क्या कहते हैं? सोरस। तो स्पोरेंजिया ग्रुप में होती है और उस ग्रुप को क्या जाता है? सोरस। और सोरस का भी अगर ग्रुप है तो उसको बोला जाता है सोराइन। ये देखो ये क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया नॉन एज सोरस एंड ग्रुप ऑफ सोरस नॉन एज सोराइन, इज दैट क्लियर? तो ये पूरा मैंने इनका स्पोरोफिलस लीफ के बारे में बताया, फिर भी नहीं समझ आया देखो इस तरह से ये लीफ है और लीफ की एबेक्सियल सरफेस पर इस तरह से ये स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया का ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप को क्या बोला? सोरस को। और इस तरह फिर ये भी सोरस है और सोरस के ग्रुप को हम बोलेंगे सोराई। अब तो क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रोफोफिलस की। ट्रोफो, ट्रोफो मतलब ट्रॉफिक, ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन है ना, और फिलस मतलब लीफ, मतलब ये वो लीफ है जो फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, स्पोर नहीं बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, इज दैट क्लियर? न्यूट्रिशन बनाती है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट, स्पोरोफिलस लीफ भी फोटोसिंथेसिस करती है और ये टेरिडोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कुछ टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिलस लीफ भी फोटोसिंथेसिस करती है, तो ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हो गया है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, डार्क लाइन में करिए बेस को, इज दैट क्लियर? समझ गए एकदम अच्छे से? तो ये लीफ के बारे में मैंने आपको इनके कैरेक्टर्स बताए, ठीक है। अभी भी लीफ का टॉपिक और करेंगे अपन, लीफ अभी कंटिन्यू रखेंगे। तो दो टाइप की लीफ होगी, स्पोर बनाने वाली लीफ स्पोरोफिलस और फोटोसिंथेसिस करने वाली ट्रोफोफिलस, और स्पोरोफिलस भी फोटोसिंथेसिस करती हैं, यही टेरिडोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और किसी भी प्लांट में ऐसा नहीं होता कि स्पोर बनाने वाली स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस करे, ये केवल टेरिडोफाइट में संभव है, इज दैट क्लियर? आगे चलते। अब देखो बच्चों कि टेरिडोफाइट्स दो तरह के होते हैं, टेरिडोफाइट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैक्रोफिलस और एक होते हैं माइक्रोफिलस। मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट और माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट, देर आर टू कैटेगरी ऑफ टेरिडोफाइट। नाउ मैक्रोफिलस क्या होते हैं? जिनका स्टेम छोटा है और लीफ बड़ी है। मैक्रो, मैक्रो मतलब लार्ज और फिलस मतलब लीफ, जिनकी लीफ बड़ी है। पेपर में आ जाए तो टर्म से कर दिया करो, है ना, मैक्रो मतलब बड़ा, फिलस मतलब लीफ, यानी लीफ बड़ी है, बड़ी लीफ वाले प्लांट है। तो इनमें जो एग्जांपल आएगा वो आपको याद रखना है, टेरिडियम, क्या नाम है, टेरिडियम टेरिस और मार्सीलियम, टेरिडियम टेरिस और मार्सीलियम, सही है ना, मैक्रोफिलस। अब आते हैं माइक्रोफिलस। अब माइक्रो क्या होते हैं? माइक्रो बताओ, माइक्रो मतलब स्मॉल और फिलस मतलब लीफ, यानी इनमें स्मॉल लीफ होगी, तो ऑब्वियस बात है आपको स्टेम क्या करना है, लार्ज करना है या लॉन्ग करना है। लॉन्ग स्टेम है, लॉन्ग यूज कर लो वर्ड, ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखो बेटा जो ये माइक्रोफिलस है इनके एग्जांपल देखो, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और सिलेजिनेला, ठीक है, शॉर्ट में याद रखने का कोई ट्रिक बना लेना इसका, ठीक है ना, एलएस वर्ड याद रखना, एलएस, ठीक है ना, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। तो मैक्रोफिलस जिनकी लीफ बड़ी है और माइक्रोफिलस जिनकी लीफ छोटी है, और स्टेम इसका ऑपोजिट कर लेना, क्लियर हो? तो ये लीफ का कैरेक्टर हमने पूरा किया। अब इसके बाद
हम बात करते हैं टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल की। टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल की तो अब थोड़ा सा मैं पहले बताऊंगा और उसके बाद मैं अच्छे से समझाता हूं। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट मेन बॉडी है, स्पोरोफाइट क्या होता है 2N, इसकी मेन बॉडी क्या है 2N है। अब से पहले ब्रायोफाइट में और थैलोफाइट में क्या था, गैमेटोफाइट मेन बॉडी थी, यानी उनकी जो मेन बॉडी थी वो N थी और इसकी मेन बॉडी क्या है 2N है। समझ अब उल्टा हो गया है, ध्यान रखना ठीक है। यानी ये इनकी स्पोरोफाइट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, रूट आ जाएगा, स्टेम आ जाएगी, लीफ आ जाएगी। तो इनका स्पोरोफाइट मेन बॉडी हो गया, 2N है इनका मेन बॉडी। और इससे पहले थैलोफाइट और ब्रायोफाइट में मेन बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट थी। दूसरी बात, इनका जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है और रिड्यूस्ड है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो इस पर डिपेंड है। अब से पहले क्या था ब्रायोफाइट में, क्या था ब्रायोफाइट बता रहा हूं, गैमेटोफाइट इज अ मेन बॉडी एंड स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, पढ़ाया था ना मैंने। लेकिन आज क्या है, स्पोरोफाइट मेन बॉडी है और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। हाँ कम समय के लिए आ रहा है लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को कहा जाएगा डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लो, डिप्लो मेन बॉडी होगी, डिप्लोन्टिक 2N का मतलब डिप्लोन्टिक, डिप्लोइड हैप्लोइड है ना, तो डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इनमें होता है। इज दैट क्लियर, दोनों इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नीट 2016-17 में पता नहीं कब 16 में शायद पूछा गया था। तो डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, इज दैट क्लियर, ये ध्यान रखना। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, थैलोफाइट और ब्रायोफाइट में आपको क्या बताना है, गैमेटोफाइट मेन बॉडी और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट, ये उनमें बताना है। इनका ये हो गया टेरिडोफाइट का, दोनों इंडिपेंडेंट करना है। अब आ जाओ जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उनमें क्या बताना है, स्पोरोफाइट मेन बॉडी एंड गैमेटोफाइट डिपेंडेंट, उनमें गैमेटोफाइट डिपेंड हो जाएगा। टेरिडोफाइट एक यूनिक है जिसमें गैमेटोफाइट क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्लियर, वो अलग है। आपको आज समझ भी आएगा, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अब इस लाइफ साइकिल को मैं डिटेल से समझाता हूं और इसी दौरान इसका रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा। आप देखिए, अपन इसको पूरा करते हैं, टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल देखते हैं। टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल जो देखते हैं आप, उस टेरिडोफाइट के लाइफ साइकिल में जो मेन मेन पॉइंट है वो अपन स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले ये टेरिडोफाइट की बॉडी, ये टेरिडोफाइट्स की बॉडी है, ये जो टेरिडोफाइट्स है उसकी मेन बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। मेन बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट, यानी 2N बॉडी है। अब इस पे स्पोरोफिलस लीफ है, स्पोरोफिलस लीफ है जो स्पोर बनाती है, समझ आया एकदम अच्छे से। अब देखो बेटा, ये स्पोरोफिलस लीफ जो है इसमें, इसको पहले मैं और अच्छे से क्लियर कराता हूं। देखो दो तरह की लीफ होती है, एक होती है माइक्रोस्पोरोफिलस, ये वाली लीफ माइक्रोस्पोर बनाती है, क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर, छोटे स्पोर, और माइक्रोस्पोर को कहा जाता है मेल स्पोर, क्या कहा जाता है, मेल स्पोर। और एक होती है बच्चों मेगास्पोरोफिलस, और जो मेगास्पोरोफिलस, मेगा मतलब बड़ी, तो ये क्या करती है बेटा, मेगास्पोर बनाती है। और मेगास्पोर क्या होता है बेटा, फीमेल स्पोर माना जाता है, समझ गए, क्लियर कर लो। पहले बार माइक्रोस्पोरोफिल बनाएगी माइक्रोस्पोर, वो मेल स्पोर माना जाएगा, मेगास्पोरोफिल बनाएगी मेगास्पोर जो फीमेल स्पोर बनाएगा। इज दैट क्लियर, यहां तक बात समझ आई, थोड़ा सा पजल करूंगा मैं आपको, पहले बताइए ये समझ आया अच्छे से, ओके। अब समझिए कि जो टेरिडोफाइट्स है, जो टेरिडोफाइट्स है वो दो तरह के होते हैं,
एक होते हैं होमोस्पोरस और एक होते हैं हेटरोस्पोरस। पहले होमोस्पोरस बता रहे, होमोस्पोरस पहले बता रहे, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट वो होते हैं जो केवल, होमो मतलब क्या होता है एक जैसा, होमो मतलब क्या होता है एक जैसा, इक्वल सिमिलर, ठीक है ना। तो जो होमोस्पोरस होते हैं वो केवल वन टाइप के स्पोर ही बनाते हैं, वन टाइप के स्पोर ही बनाएंगे, और वन टाइप का जो स्पोर बनता है वो केवल माइक्रोस्पोर ही बनता है। अब ये मेल फीमेल कंसीडर नहीं होगा इसे, बस एक तरह का स्पोर ही बनाएगा, वही मेल की तरह काम करेगा, वही फीमेल की तरह काम करेगा, समझ गए। दीज आर होमोस्पोरस, और ये एडवांस नहीं है, ये प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है, ये पुराने टेरिडोफाइट है, प्रिमिटिव करेक्टर है ये, समझ गए एकदम। और होमोस्पोरस कौन होते हैं जो केवल एक टाइप का ही स्पोर बनाएंगे, होमो मतलब इक्वल, मतलब सिमिलर, मतलब एक जैसे, राइट। तो इसमें जो एग्जांपल आता है, पहले बताओ होमोस्पोरस समझ आया एकदम अच्छे से, इसमें जो एग्जांपल आएगा वो आएगा बेटा आपका टेरिडियम इक्विसिटम लाइकोपोडियम ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम इक्विसिटम लाइकोपोडियम ड्रायोप्टेरिस, ठीक है ना। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। और होमोस्पोरस कौन होते हैं जो केवल एक टाइप का स्पोर ही बनाते हैं, केवल एक टाइप का स्पोर ही बनाते हैं, वही मेल वही फीमेल, इज दैट क्लियर। अब देखो इसके बाद आता है बच्चों हेटरोस्पोरस। क्या आता है? हेटरोस्पोरस। आप देखो नाम क्या है, हेट्रो, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ये वो प्लांट होंगे जिनमें दोनों तरह की लीफ हो गई, माइक्रोस्पोरोफिल भी हो गई और मेगास्पोरोफिल भी हो गई। तो मतलब ये माइक्रोस्पोर भी बनाएंगे और ये मेगास्पोर भी बनाएंगे, और मेगास्पोर होगा फीमेल स्पोर और माइक्रोस्पोर होगा मेल स्पोर। तो दो अलग अलग काइंड के स्पोर बन रहे, दो डिफरेंट तरह के स्पोर बन रहे हैं, दैट इज हेटरोस्पोरस, एंड दिस इज द एडवांस करेक्टर, ये एडवांस करेक्टर, इज दैट क्लियर। एंड सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सिलेजिनेला आइसोएटिस मार्सिलिया एजोला, दीज प्लांट्स एडवांस टेरिडोफाइट एंड आर हेटरोस्पोरस। और हेटरोस्पोरस समझ गए, जो डिफरेंट तरह के स्पोर बनाते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक और चीज अच्छी बताना चाहता हूं, हेटरोस्पोरी, चलो पहले ये देख लो आप अच्छे से, ये तैयार हो गया, फिर मैं इसको साफ करता हूं, फिर बताता हूं, ठीक है। होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस अच्छे से सुनना वीडियो लेक्चर को, आप बढ़िया तरीके से। अब देखो बच्चों, जो हेटरोस्पोरी है, जब हेटरोस्पोरी पहली बार बनी तो इसी से सीड ओरिजिन स्टार्ट हुआ। यानी पहले क्या बनते थे, माइक्रोस्पोरी बनते थे, मेगास्पोर नहीं बनता था। यानी मेगास्पोर जब से मेगास्पोर बनने लगा तब से सीड का ओरिजिन स्टार्ट हुआ। तो सीड ओरिजिन स्टार्ट फ्रॉम टेरिडोफाइट्स, और सीड बना कहां, वो जिम्नोस्पर्म में बना। पहली बार सीड बना कहां, जिम्नोस्पर्म में, बट सीड का ओरिजिन स्टार्ट कहां हो गया, टेरिडोफाइट्स में, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में क्या हुई थी, हेटरोस्पोरी, यानी कौन सा स्पोर बना था, मेगास्पोर, और मेगास्पोर से बेटा सीड का ओरिजिन माना जाता है। सीड ओरिजिन किससे माना जाता है, मेगास्पोर से। और ये एक यूनिक एग्जांपल है, इक्विसिटम आर्बेंसी, इससे हेटरोस्पोरी स्टार्ट हुई थी पहली बार, इक्विसिटम आर्वेंसे में सबसे पहली बार हेटरोस्पोरी स्टार्ट हुई, यानी मेगास्पोर आया। ये यूनिक स्पीसीज है, वैसे तो इक्विसिटम होमोस्पोरस में आता है, ठीक है ना। तो सीड ओरिजिन स्टार्ट जो है वो यहीं से माना जाता है, इज दैट क्लियर, पक्का समझ आया आपको। चलिए ये बात समझ आ गई होगी, रिवाइज करके देख लेना लेक्चर को, है ना।
इसके बाद देखो कि अब अपने वापस यहां पर आते हैं कि पेरिडोफाइटा में स्पोरोफिलस लीफ है। अब ये लीफ जो है इसमें एक, अब अपन मान लेते हैं हेट्रोस्पोर है ना, तो एक मान लेते हैं माइक्रोस्पोरोफिलस और एक मान लेते हैं मेगास्पोरोफिलस। अब देखो ये 2n है तो लीफ भी 2n हुई, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, ठीक है 2n ही होगा अभी सर। इसमें बनेगी माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें बनेगी मेगास्पोरेंजिया, तो ये भी 2n है, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, क्या होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसमें होगी मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल, तो ये भी 2n होगी बेटा, ये भी 2n होगी। अब ये करेगी मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस करके बनाएगी स्पोर, तो स्पोर क्या हो गया n। जब मियोसिस होता है तो 2n से क्या बनता है n बनता है, 2n से क्या बनेगा n, जब क्या होगा मियोसिस, तो यानी स्पोर क्या बन गए n बन गए, समझ गए। अब ये स्पोर क्या होगा बेटा, इन स्पोर का क्या होगा एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन होगा, एक्सोस्पोरिक मतलब बाहर की तरफ, ये स्पोर इन स्पोरेंजिया से निकल जाएंगे बाहर, एयर में निकल जाएंगे और लैंड पर जाकर कहीं दूसरी जगह जाकर ये जर्मिनेशन करेंगे, ठीक है। तो अब इनका जब जर्मिनेशन होगा तो जर्मिनेशन करके ये बनाएंगे गैमेटोफाइट थैलस, थैलस या इसको प्रोथैलस कहते हैं। ये थैलस क्या बना, एन बना, क्योंकि इन स्पोर से बनाएंगे, और ये कहीं दूर बनाया जाकर, क्योंकि स्पोर तो रिलीज हो गए थे, स्पोर क्या हो गए थे रिलीज हो गए। अब देखो मेन प्लांट यहां पर है और स्पोर कहीं दूसरी जगह है, तो ये इंडिपेंडेंट है, क्या है ये इंडिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफिक है, ये अपना फूड खुद बना सकता है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफिक है, ठीक है। अब ये जो थैलस है कौन सा, गैमेटोफाइट थैलस, इस पर बेटा बनेगी अब एक एंथ्रीडिया, वापस आगे देखो अपन उसी पर ब्रायोफाइटा की तरह आर्किगोनिया, तो ये एन हो गई है क्योंकि इस थैलस पे बन रही है। अब जो ये एंथ्रीडिया है ये मेल गैमेट बनाएगा एंथिनोजोइट, और ये एग बनाएगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत है, इनको भी ध्यान रखना, इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत है, और जूडियोगेमी होगी ये, जूडियोगेमी, जूडियोगेमी का मतलब है कि जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है, वो चल के जाएगा, जूडियोगेमी का मतलब मेल गैमेट मोटाइल है चल के जाएगा, वही ब्रायोफाइटा वाला सिस्टम एकदम। आर्किगोनिया की कवर सेल ब्रेक होगी, पोटेशियम और मैलेट रिलीज करेगी और मेल गैमेट चल के जाएगा, सेम वही प्रिंसिपल है, राइट। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा जाइगोट, और जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो हुआ 2n और इससे वापस बन गया ये थैलस, क्लियर। तो वापस वो थैलस बन गया, पूरी बात समझ आई होगी आपको। अब ये बॉडी यहां पर अपने देखो कि ये वाला जो है पूरा पार्ट, ये वाला, ये हो गया हैप्लोइडिक और वो हो गया डिप्लोइडिक, यानी ये हो गया डिप्लोइडिक और ये हो गया हैप्लोइडिक, तो ये डिप्लो हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल हो गया, और रिप्रोडक्शन भी पूरा क्लियर हो गया ना इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है प्रोथैलस, वो क्या बनाता है एंथ्रीडिया आर्किगोनिया, सेम वही सिस्टम, इज दैट क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोथैलस इज अ इंडिपेंडेंट एंड ऑटोट्रॉफिक एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट्स, इज दैट क्लियर। ये पूरा आपको समझ आया बच्चों, तो ये लाइफ साइकिल भी हो गया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया इसका, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लो बच्चों इसको, थोड़ा कोई भी दिक्कत आपको ना हो किसी तरह। और यहां पर जो ये गैमेट है वो माइटोसिस से ही बने, क्योंकि एन है ना, एन तो है तो माइटोसिस होगा, फिर एंथिरोजोइट भी एन होगा, एन भी एन होगा, और जाइगोट क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा,
ठीक है, कोई डाउट किसी तरह का मुझे नहीं लगता कि रहे, ठीक है, चलिए ओके। अब ये लाइफ साइकिल पूरा करने के बाद अब अपने आगे का पार्ट देखते हैं बेटा। अब देखो अपन टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन का, मैं वही बात है क्लासिफिकेशन आप रीड करोगे क्योंकि मैंने पूरा करेक्टर बता दिया है, ठीक है ना। आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, तो थोड़ा टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन के ऊपर हम लेक्चर देते हैं। टेरिडोफाइट्स को मेनली चार क्लास में डिवाइड किया गया है। एक है साइलोप्सिडा। ये जो साइलोप्सिडा के टेरिडोफाइट है ये प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है, प्रिमिटिव मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है, क्लियर। इनके बहुत से प्लांट तो इस ग्रुप में आने वाले बहुत से प्लांट तो फॉसिल हो गए, तो इसमें फॉसिल प्लांट मिलेंगे आपको लाइक राहिनिया और हॉर्नियोफाइट। सो दीज आर द फॉसिल प्लांट जो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, राइट। इसका जो केवल लिविंग प्लांट है वो है साइलोफाइट, ये लिविंग प्लांट, ओनली लिविंग प्लांट इसमें जो है वो है साइलोफाइट, है ना। तो ये बहुत प्रिमिटिव क्लास है और इसके बहुत से प्लांट तो क्या हो गए, फॉसिल हो गए, और इसका जो लिविंग प्लांट है वो क्या है, साइलोफाइट। साइलोटम। क्या है, साइलोटम, वापस आ जाओ, साइलोटम इज अ लिविंग प्लांट, ठीक है ना, साइलोटम, ठीक है ना। राइनिया और कॉर्नियोफाइट विलुप्त हो चुकी है, राइनिया का क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है, ठीक है ना, इज इट क्लियर। अब इसके बाद अपन इसमें और बात करते हैं बेटा, जैसे रिसोर्स अवेलेबल हैं वैसे ही काम चला रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद दूसरा आता है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा जो है वो सेकंड क्लास की बात कर रहा हूं मैं। लाइकोप्सिडा को क्लब मॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लब मॉस, क्लब मॉस प्लांट कहा जाता है, क्लब मॉस प्लांट, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अब ये जो है इस क्लास की मैं खास बात बता देता हूं आपको, जो मेन बात है, ज्यादातर मेडिसिनल प्रॉपर्टी के प्लांट इस क्लास में आते हैं। इस क्लास में आने वाले प्लांट की क्या खास बात है, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मतलब आयुर्वेदा के दृष्टिकोण से इस कैटेगरी में आने वाले प्लांट यूजफुल है। लाइक समझ आए, इसका एक प्लांट है लाइकोपोडियम, उसमें खुद में बहुत अच्छे मेडिसिनल गुण हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसमें आता है आइसोइटिस, जिसको मर्लिन ग्रास कहते हैं, ये समुद्री खरपतवार है, ठीक है ना, आइसोइटिस। सिलेजिनेला, हाँ इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो सिलेजिनेला है ये क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्पाइक मॉस, ठीक है ना, स्पाइक मॉस कहते हैं, या लिटिल मॉस भी कहा जाता है, लिटिल मॉस, लिटिल क्लब मॉस। इसकी तो मैं मेन बात बता रहा हूं, इसमें रीसर्केशन का गुण होता है। अब ये पूरा रीसर्केशन की प्रॉपर्टी है, मैं रीसर्केशन समझा रहा हूं। ये वो प्लांट है जो मॉइस्चर में ग्रो करता है, जब रेनी सीजन है, सीजन है तो ये ग्रो करेगा, लेकिन जब ड्राइनेस आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, सूख जाता है। ड्राइनेस आने पर ये सूख जाता है और एक गोल गोल जो है बॉल लाइक हो जाता है। तो कब तक ग्रो कर रहा है, रेनी सीजन में ग्रो कर रहा है, ड्राइनेस में ये कोई ग्रोथ नहीं कर रहा और ये सूख जाता है बिल्कुल और बॉल लाइक हो जाता है। जब फिर से रेनी सीजन आता है तो ये हरा हो जाता है वापस। रीसर्केशन का मतलब पुनर्जीवन, तो पुनर्जीवन, अब ये हिंदी में लिखना पड़ेगा पुनर्जीवन, देख लेना यार, पुनर्जीवन मतलब दोबारा जिंदा हो गया, ऐसे लगता है जैसे दोबारा जन्म हो गया इसका, समझ गए ना। क्योंकि ये केवल रेनी सीजन में ग्रो करता है, ड्राइनेस कंडीशन आने पर ये ग्रोथ नहीं करता है, क्लियर, समझ आया एकदम अच्छे से। सिलेजिनेला की ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसी में देखो एक सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ये एक स्पीसीज है,
और इसे संजीवनी कहा जाता है। संजीवनी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, संजीवनी कहा जाता है। अब ये वो संजीवनी नहीं है जो हनुमान जी लेके आए थे रामचरित मानस में, आपने देखा वो वाला नहीं। संजीवनी इसलिए कहा जाता है कि हाईली मेडिसिनल प्रॉपर्टी, बहुत अच्छे आयुर्वेदिक गुण है इसके अंदर, इसलिए इसको संजीवनी नाम दे दिया गया है। समझ आया एकदम अच्छे? तो ये मैंने बच्चों कुछ मेन मेन बात आपको बताई है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जनरल करेक्टर इनकी वही है, तो आपको अच्छे से एक बार एनसीईआरटी रीड करना आपको समझ आ जाएगा। मैंने ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है। देखो, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको एक ट्रैक दिया है, उसके बाद आप एनसीईआरटी रीड करिए, ठीक है, वहाँ से आपको चीज़ें समझ आएंगी। और फिर डाउट आते हैं तो उसके लिए हम ऑनलाइन क्लास में आते हैं, तो वहाँ पे आप डाउट पूछ लीजिएगा, राइट। उसके बाद आता है स्पिनोक्सीडा। अब सब कुछ मैं बता दूंगा तो आप क्या हो जाओगे, स्पून चाइल्ड, फीडिंग चाइल्ड हो जाओगे, मतलब बनी बनाई मसाला मिल रहा है, नहीं, खुद आप पढ़िए, उससे अच्छी लर्निंग होगी आपकी। स्पिनोक्सीडा, इनको हॉर्स टेल कहा जाता है, हॉर्स टेल्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो, इनके भी मैं एक अच्छी बात बताता हूँ कि इनकी जो लीफ होती है उनमें सिलिका प्रेजेंट होती है, तो ये इनकी लीफ बहुत हार्ड हो जाती है। तो हार्डनेस वर्ड नहीं यूज करेंगे, स्टिफनेस वर्ड ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। बड़ी शार्प हो जाती है, वो तीखी हो जाती है। और आप देखिए, जो मैं बात बता रहा हूं, जब इनकी ड्राई लीफ आपस में कॉन्टेक्ट में आएगी और उनमें फ्रिक्शन होगा, तो जब इनकी ड्राई लीफ आपस में कॉन्टेक्ट में आएगी, है ना, तो आग लग सकती है, फायर प्रोड्यूस करेगी ये, तो कई बार इनसे जंगल में आग लग जाती है बेटा, ये ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? तो इस कैटेगरी में आने वाले प्लांट में एग्जांपल है इक्विसीटम। हॉर्सटेल किसे कहा जाता है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है इक्विसीटम, ठीक है ना। हाइनिया, इक्विसीटम याद रखो आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये स्पिनोक्सीडा आ गया आपकी तीसरी क्लास। इसके बाद ये थर्ड क्लास थी, पहली क्या थी, साइलोक्सीडा, फिर लाइकोक्सीडा, और फिर क्या थी, स्पिनोक्सीडा, ठीक है ना। अब आता है इसके बाद में लास्ट, और वो आता है आपका फिलिसिन। ठीक है, इनको फर्न कहा जाता है, फर्न प्लांट कहा जाता है, और इसीलिए टेरिडोफाइट का दूसरा नाम फर्न प्लांट भी है जाने। और ये एडवांस है बेटा, एडवांस प्लांट यही है, फर्न प्लांट यही है, ठीक है ना। और इसमें एग्जांपल आएगा बेटा टेरिडियम, टेरिस, ड्रायोटेरिस, ठीक है ना। और इनको मिला के सनफर्न भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सनफर्न भी कहा जाता है, या बैकन ब्रैकन फर्न भी कहा जाता है। सनफर्न याद करो, टेरिडियम, टेरिस और डायोटेरिस, दीज आर द एडवांस टेरिडोफाइट्स, इनको फर्न प्लांट भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? तो ये एक बेसिक मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिया है, आपको एनसीईआरटी रीड करना है, कोई भी डाउट है तो मुझसे शेयर करोगे आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।